हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कुकीज़ की रेसिपी। देख लीजिए कितनी खास्ता वाली कुकीज़ है, ऊपर से गेहूं के आटे से बनी हुई कुकीज़, तो पूरा हेल्दी वे में। तो इसके लिए मैंने लिया है 100 ग्राम बटर। बटर को मैंने फ्रिज में आधा घंटा पहले फ्रिज से बाहर निकाल के रख दिया था, तो ये नॉर्मल हो चुका है। उसके बाद मैं ऐड करूँगी इसमें चीनी का पाउडर। ये नॉर्मल चीनी जो घर में यूज करते हैं उसका मैं पाउडर बना ली हूँ। और तो मैं इसको डाल रही हूँ 200 ग्राम। चीनी को अच्छे से बटर के साथ हम फेंट लेंगे। तो फेंटने के बाद फेंटेंगे हम एक ही डायरेक्शन में, आप देख सकते हैं कितना फ्लफी दिख रहा है अभी। उसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ उसमें बटर मिल्क। अगर आपके पास बटर मिल्क नहीं है तो आप दही को फेंट कर भी यूज कर सकते हैं। 2 बड़े चम्मच आप डाल दीजिए बटर मिल्क या फिर दही, फेटा हुआ दही। आप देख सकते हैं कितना फ्लफी हो चुका है हमारा बैटर। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे वनीला एसेंस। ये टोटली स्किप आप कर सकते हैं, अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। उसके बाद मैं गेहूँ का आटा ऐड कर रही हूँ 200 ग्राम या 2 कप। उसके बाद बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर हम ऐड करेंगे। ड्राई फ्रूट का पाउडर मैं ऐड कर रही हूँ क्योंकि मेरा बेटा छोटा वाला 1 ईयर का है, तो इसीलिए मैं ड्राई फ्रूट का पाउडर ऐड की हूँ। नहीं तो आप क्रश करके ड्राई फ्रूट को डाल सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा मिल्क डालिए और आटा की तरह इसे मिक्स कर लीजिए। फिर मैं ऐड कर रही हूँ मिल्क पाउडर, ये नॉर्मल 2 चम्मच मैं बड़े चम्मच से ऐड कर रही हूँ। कस्टर्ड पाउडर 2 चम्मच ऐड कर रही हूँ। अगर आप कस्टर्ड पाउडर या मिल्क पाउडर को स्किप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, नहीं तो अगर आपके पास है तो आप इसे ज़रूर डालिएगा। जैसे चपाती के लिए डो रेडी करते हैं वैसा डो रेडी कर लेंगे। उसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ ऊपर से ऑयल। आप ऑयल या घी कुछ भी डाल सकते हैं और सॉफ्ट डो रेडी हम कर लेंगे। उसके बाद हम करेंगे प्लेट का ग्रीसिंग। तो सबसे पहले हम ले लेंगे प्लेट। अगर आपके पास है माइक्रोवेव वाला ट्रे तो आप इसको ग्रीस कर सकते हैं और बटर पेपर डाल दीजिए नॉर्मल। तो मेरे पास मैं स्टील का थाली ली हूँ और उसको मैंने घी से ग्रीस कर दिया है और आटे से डस्ट कर दिया है। उसके बाद मैं लूँगी डो का थोड़ा थोड़ा सा भाग लेंगे और उसको रिकवर करके बीच से प्रेस कर देंगे। हम सारे कुकीज़ को रेडी कर लेंगे प्री हीट होने के लिए। मैं जब तक इधर कुकीज़ मैं रेडी कर रही थी तब तक माइक्रोवेव को मैंने प्री हीट होने के लिए दे दिया था। फिर हम देंगे इसको बेक होने के लिए। बेक होने के लिए आप 180 डिग्री पर कन्वेंशन मोड पे 15 मिनट्स के लिए बेक कीजिए। और जब मैंने 15 मिनट्स के बाद, ये देखिए मेरा कुकीज़ पूरा फुला फुला एकदम रेडी है। इसको मैं थोड़ा देर के लिए 5 मिनट्स के लिए कूल डाउन होने दूँगी, फिर मैं इसे निकालूँगी। तुरंत गरम मत निकालिएगा। उसके बाद हो गया हमारा कुकीज़ रेडी। आप बनाइए, अपने बच्चों को खिलाइए, उनको कैसा लगा, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आप देख सकते हैं ये कितनी खास्ता वाली कुकीज़ है। गेहूं के आटे से ही हेल्दी वे में बहुत खास्ता वाली कुकीज़ बन जाती है। अगर मेरी वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।